देश सप्तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर सोनीपत से आ रही है। सोनीपत में नगर निगम द्वारा 2,22,00,000 की लागत से सेक्टर 14 की सड़कों के निर्माण का कार्य जो है निखिल मैदान मेयर हैं उनके व सांसद रमेश कौशिक के साथ मिलकर जो है शुभारंभ किया गया है। शनिवार को शहर के सेक्टर 14 की मुख्य सड़कों के तारकोल से बनाने की का निर्माण कार्य नगर निगम द्वारा शुरू कर दिया गया है। इस अवसर पर सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक, नगर निगम मेयर निखिल मदान, निगम पार्षद सुरेंद्र मदान ने नारियल फोड़कर निर्माण कार्य का जो है विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया। मेयर निखिल मदान ने पत्रकार से बातचीत करते हुए बताया कि सेक्टर 14 की सभी 60 फुट चौड़ी मुख्य सड़कों को जो बता दें तारकोल से बनाने का जो कार्य है वो समय सीमा में प्रस्तावित रखा गया है और समय सीमा में जो है इसे पूरा कर लिया जाएगा। आप तस्वीर जो है सोनीपत की देख रहे हैं जहां पर नगर निगम के द्वारा जो है 2,22,00,000 की लागत से सड़कों के निर्माण कार्य का लिए जो है सांसद रमेश कौशिक व मेयर निखिल मदान के द्वारा शुभारंभ किया गया। सभी से अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज नगर निगम द्वारा सेक्टर 14 की सभी मुख्य सड़कों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है, कितनी लागत से नगर निगम ये कार्य करवा रहा है और कब तक इसके पूरे होने की संभावना है? ये नगर निगम की तरफ से 2,22,00,000 का टेंडर लगवाया गया था, आज इस काम को चालू करवाया गया है। सबसे पहले जो सेक्टर 14 मेन मार्केट की रोड है इससे कार्य चालू होगा और साथ में जितने भी हमारी बड़ी रोड हैं सेक्टर की, 60 फुट रोड हैं सेक्टर की, सारी पूरी करी जाएंगी। इसमें विवेकानंद चौक से लेकर सेक्टर 14-15 डिवाइडर और जानकीदास के सामने गांधी चौक से लेकर डिवाइडर तक जो चौकी है पुलिस चौकी, मार्केट के आगे से भारत हॉस्पिटल वाली रोड है हमारी और इसमें बीकानेर के पास विवेकानंद चौक और जानकीदास के सामने वाली, इन सारी जितनी भी सेक्टर 14 की रोड हैं इनको हम इसमें पूरा करेंगे और रोड सेफ्टी के पूरे इसके अंदर हमने कंसर्न मेजर्स रख के इसमें मार्केशन भी, कैटाइज भी, ताकि रिफ्लेक्टर्स भी लगे रहें और प्रॉपर तरीके से इसको बनाया जाएगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ अपने क्षेत्रवासियों को कि इसी महीने हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस काम को पूरा कर दें।